चलो वन मोल ऑफ आइडियल गैस क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, जिससे तुम्हें पता चले कि हाँ यार सर कैसे कर रहे हैं और मैं कैसे कर रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस कहाँ है, कमी कहाँ आ रही है। वन मोल ऑफ आइडियल गैस है इनिशियल स्टेट ए से बी तक वाया टू प्रोसेस। चलो चार डायग्राम है, आपको दो प्रोसेस दिया है, कहाँ जाना है, ए से बी पर जाना है भैया, ठीक है, दिल्ली से गोरखपुर जाना इस टाइप का। द फर्स्ट प्रोसेस वॉल्यूम बी से 3B एंड द वॉल्यूम रिड्यूस 3B टू बी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, करेक्ट पीवी डायग्राम। अब आपको सोचना पड़ेगा, फर्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल है और पी से बी से 3B हुआ, एक्सपेंशन है और आइसोथर्मल का कर्व हम सबको पता है कि पीवी डायग्राम में वॉल्यूम बी से 3B एक्सपेंशन में जो आइसोथर्मल कर्व होता है और एडियाबेटिक कर्व होता है ऐसा आता है, ठीक है, ये स्लोप ज्यादा है एडियाबेटिक है और ऊपर वाला आइसोथर्मल है, तो ये तो एक्सपेंशन है, तो इसी टाइप का कर्व आएगा। अब इस टाइप का कर्व कहां पे आएगा ए से पहले स्टेट में, ये कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहां वॉल्यूम देख रहे 3B से बी हो, 3B से बी से 3B होना है, तो यहाँ पर 3B से बी हो गया, ये गलत है, ये सही होने के चांस हैं, ये बिल्कुल गलत है और ये दोनों 50-50। अब कहता है वॉल्यूम रिड्यूस 3B टू एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, चलो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ आए आइसोथर्मल बात ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो प्रेशर कम हो जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ आए बात बिल्कुल सही, आइसोथर्मल वॉल्यूम भी से 3B हो गया और प्रेशर कांस्टेंट हो गया, मतलब ये ऑप्शन सही है डी।